हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। पाइथन प्रोग्रामिंग में नेगेटिव स्ट्रिंग की, अगर हम नेगेटिव स्ट्रिंग देते हैं, देखिए नेगेटिव स्ट्रिंग कैसे दी जाती है मैं बताता हूं। यहां पर देखिए मैंने बी नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है और इस स्ट्रिंग को बी में स्टोर किया है और फिर यहाँ प्रिंट करवाया है बी को और यहाँ पे -5:-2 किया है। अब ये नेगेटिव स्ट्रिंग है। अब नेगेटिव स्ट्रिंग में क्या होगा भैया, तो यहां 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये है ना, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि -2 का मतलब हो गया टी तक, ठीक है। और 5 का क्या मतलब है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी डी की बात करेंगे। डी यानी ये 5 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम चलाते हैं, 5 प्रेस करते हैं, तो पहले तो इसको सेव करना होगा हमें, तो इसको सेव करते हैं नेगेटिव के नाम से, नेगेटिव, ठीक है। तो ये सेव किया नेगेटिव डॉट पीवाई के नाम से। और अब इसको जब चलाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर DEN प्रिंट हो रहा है। DEN मैंने बताया था ना कि नेगेटिव स्लाइसिंग, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। और यहां पर दिया है 5, तो ये बताइए 5 का मतलब क्या होगा। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी D से स्टार्ट करिए, ठीक है। और इसमें से जो पूरा है वैल्यू, जैसे मान लीजिए यहां तक हम आ रहे हैं ना, अब इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, तो 3, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि अगर 2 सिर्फ कहते तो ये दोनों आ जाता, लेकिन 5 है तो 5 में से 2 माइनस किया गया, 3 आया, तो डेन प्रिंट करके ये दे रहा है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर 3 कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा 3, तो 5 में से अभी 3 माइनस हो जाएगा और खाली डीई प्रिंट होगा। तो देखिए यहां पे F5 किया मैंने और एंटर किया, तो यहां पे देखेंगे तो खाली डीई प्रिंट करेगा। तो ये स्ट्रिंग की बात है, समझ रहे बात को, ये नेगेटिव स्लाइसिंग है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं 6 कर देता हूं, 6, तो देखिए 6 किया है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि UDE ये प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए एक बार इसको चलाते हैं, देखते क्या होता है। तो यहां पे देख सकते हैं UDE ही प्रिंट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ओके।